दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्साइड हमने कह रही ऑक्साइड था कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट आउट ऑफ दिस वन एलिमेंट इज ऑक्सीजन या अ बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। अब जो ऑक्साइड है वो कई तरह के होते हैं, हमारे कोर्स में तीन तरह के ऑक्साइड का मेनली जिक्र है। दो एक मिनट ऑक्साइड्स जो होंगे, पहले मेन में जो कैटेगरी होगी डिवीजन वो दो होंगे, ऑक्साइड्स की दो कैटेगरी मेन होंगी, मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेन डिवीजन दो हो रहे हैं इसके अंदर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। बात समझ में आ गई? मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो फिर हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं, मेटल्स जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और तीसरा होता है डबल ऑक्साइड, डबल ऑक्साइड जैसे Fe3O4, Fe3O4 जो बना है ये दो ऑक्साइड से बना है, Fe2O प्लस Fe2O3, इनको मिलाएंगे तो Fe3O4 डबल ऑक्साइड के रहता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स हो रहे थे बेसिक ऑक्साइड्स, अभी इनकी डेफिनेशन में आपको देता हूँ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एसिडिक, हाँ बेसिक का या एसिडिक बोले अपोजिट, एंड न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल। तो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड तीन तरह के होते हैं, नॉन मेटेलिक दो तरह के, जनरली एक्सेप्शन के साथ देखो होते हैं। अब सुन लीजिए ऑक्साइड की डेफिनेशन के लिए, या तो कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट आउट ऑफ विच वन एलिमेंट इज ऑक्सीजन, तो दे आर ऑफ टू टाइप्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जनरली क्या क्या होते हैं वो बेसिक, एम्फोटेरिक एंड। अब बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं ये दिस ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद एसिड एंड डू नॉट रिएक्ट विद बेस, डू नॉट रिएक्ट विद, यानी एसिड से तो जब अपोजिट नहीं करे, एसिड और बेसिक चीज जब भी कॉन्टेक्ट में आएंगे, एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो बेसिक ऑक्साइड से बेसिक रेडिकल बन जाएगा और एसिड से एसिड रेडिकल आ गया, तो दे कंबाइन विद, दे रिएक्ट विद एसिड, डू नॉट रिएक्ट विद बेस, ठीक है। और जब ये एसिड से कंबाइन करेंगे तो हमने आपके डेफिनेशन एसिड की प्रॉपर्टीज में कराई थी, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, व्हाट दे फॉर्म सॉल्ट प्लस क्यों, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड से बेसिक रेडिकल बन गया और एसिड से एसिड रेडिकल आया, और एसिड और बेसिक रेडिकल जब भी कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वाटर बनेगा, और ऑक्साइड से ऑक्सीजन और एसिड से हाइड्रोजन आयन आएंगे, तो हाइड्रोजन का आयन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ये बात समझ में आ गई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं विच रिएक्ट विद बेस एंड एसिड बोथ, एंड एसिड बेस में अल्कली से बात करते हैं, अल्कली से रिएक्ट करते हैं, अल्कलीज आर बोथ रिएक्टिंग टू हाइड्रोजन सॉल्ट एंड वाटर। कौन कौन से दो अल्कलीज हमारे कोर्स में, NaOH एंड KOH, तो विच रिएक्ट विद अल्कलीज एंड एसिड ऑल्सो विद बोथ, जो दोनों को रिएक्ट करते हो क्या बनाते हैं, दोनों के साथ क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कई चार पांच मेटल्स हैं, उनको एम्फोटेरिक एलिमेंट भी बोलते हैं, मेटल भी बोलते हैं, तो उसमें एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, एक क्या है, एक जिंक है, टिन भी है, ठीक है। ये जब बे अल्कली के कॉन्टेक्ट में आते हैं, एल्यूमिनियम मेटल जब अल्कली के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये रेडिकल बना देता है AnO2 विद वन वैलेंसी, इसको कहते हैं एल्यूमिनेट, इस रेडिकल को क्या कहते हैं, और ये नेगेटिव रेडिकल ही एसिड रेडिकल बन जाता है।
बेसिक रेडिकल बेस से आता है, ये खुद बेसिक रेडिकल नहीं बनता, ये एल्यूमिनेट बन जाता है और जिंक बना देता है Zn(O)2। इसकी वैलेंसी दो होती है, इसे क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम वाले को बोलते हैं एल्यूमिनेट, और Zn(O)2 क्या बोलते हैं जिंक। इसकी वैलेंसी दो है, दो नेगेटिव चार्ज है, और एल्यूमिनेट की वैलेंसी वन है, ये ध्यान रखना। ये मैंने आपको वजह बताई थी कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन के दो एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, 4 गेन करते हैं, तो +3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो +3 और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के गेन करें, हर एक दोनों ने दो दो, तो टोटल तो उनका आएगा कितना आएगा -1। ये न्यूट्रलाइज नहीं होते कम्प्लीटली, न्यूट्रलाइज होते तो कंपाउंड बन जाते, आयन की फॉर्म में रहते तो चार्ज -1 एल्यूमिनेट आयन। और यहाँ क्या होता है जिंक गेट है। यहाँ जो हमने जो मैं मेटल ऐसी बेस की प्रॉपर्टीज का आऊँगा उससे पहले मैं चाह रहा था थोड़ा ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि ज़्यादा ऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन, ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों होते हैं। मेटेलिक या तो बेसिक होंगे या एम्फोटेरिक, और एक होते हैं डबल डबल ऑक्साइड जो होते हैं बिल्कुल मेटेलिक ऑक्साइड की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या तो एसिडिक होंगे और या न्यूट्रल होंगे जैसे वाटर, एसिडिक होंगे या न्यूट्रल जैसे H2O, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे न्यूट्रल हैं, लेकिन NO2 जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है, N2O5 एसिडिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनते हैं, तो ये भी एसिडिक, NO2 भी एसिडिक, CO2 भी एसिडिक, SO2 भी एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो या तो एसिडिक होंगे और या बेसिक, या तो क्या होंगे मेटेलिक होंगे या तो बेसिक होंगे, एनो जो होते हैं आपके और डबल होते हैं जो थोड़े से होते हैं एक दो, वो बेसिक की तरह रिएक्ट करते हैं, चलो बेसिक होंगे या क्या होंगे एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है। और यानी बेसिक का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्ट में अपोजिट नेचर से रिएक्ट करते हैं, तो बेसिक होगा किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से करते हैं, बेस से रिएक्ट नहीं करते, और इसके अपॉन इसके कंपैरिजन में एम्फोटेरिक दोनों से रिएक्ट करते हैं। ये किससे रिएक्ट करेगा एसिडिक ऑक्साइड, क्या डेफिनेशन होगी एसिडिक ऑक्साइड, ये ज्यादा ऑक्साइड ज्यादा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बेस, क्यों, क्योंकि एसिडिक है, और क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड से एसिड रेडिकल बन जाएगा और बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, वहां से बेसिक रेडिकल आएगा, और बेसिक और एसिड रेडिकल जब मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर, इसकी एग्जांपल बहुत सारी कोर्स में हमारे आएंगे, समझ में आ गई बात, बेस से और बेसिक। अच्छा दूसरा क्या होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, ये किससे रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल ना एसिड से, अब देखो बेसिक ऑक्साइड एसिड से करता है बेस से नहीं करता, एसिडिक ऑक्साइड बेस से करता है एसिड से नहीं करता, एम्फोटेरिक दोनों से करता और न्यूट्रल दोनों में से किसी से नहीं करता, ना एसिड से ना, तो रीजन सब क्लियर हो गया, नहीं होगी पॉइंट समझ में आ गई, वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एग्जाम्पल यहाँ रखी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, नाइट्रस नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड दो है, ये दोनों न्यूट्रल है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
एसिडिक है, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड ये भी एसिडिक है, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 ये भी एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक है और सल्फर के दोनों ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक है। बस समझ में आ गई, कार्बन के दो ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। ये बात क्लियर हो गई, अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हाईली पॉइजनस होता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए और कंप्लीट होने के लिए, जब ये इनहेल करते हैं तो अंदर जाके ये ब्लड से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर ले तो वो आदमी जो होता है वो सेल स्वतः में जाता है वो मर जाता है। इसलिए बंद कमरे के अंदर कभी भी आग जला के बिजली जला के नहीं सोना चाहिए, जब कमरा बंद होगा तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये टेस्ट वेस्ट होती है तो पता नहीं चलता, ये आदमी इनहेल करेगा अंदर जाके ग्रेजुअली पॉइजन होता है, अंदर जाके ब्लड से ये करती रहेगी और अल्टीमेटली सेल्स काम करना बंद कर देगी। बात समझ में आ गई आपको, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब सुन लो, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, ये आग बुझाने के लिए काम में आती है, क्यों, क्योंकि ये हवा से भारी है वेजिटेरियन और ये फर्दर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो खुद जलेगी ब्लू फ्लेम में जलती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को फ्लेम के पास लाओगे आग के पास तो ये फौरन रिएक्ट करना शुरू कर देगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड में मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर ये नहीं करेगी, लेकिन हवा से भारी है ऑक्सीजन की सप्लाई, हवा से भारी है तो जल्दी भी चीज़ को ये कवर कर लेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई को आग तक पहुँचने से रोक देगी, तो नतीजे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर पे काम आती है, जिन्हें आग बुझाने के लिए काम आती है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आती और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, ये हीट एंड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और हीट बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर जो है वार्म हो जाएगा ज़्यादा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी उतनी एटमॉस्फेरिक गर्मी जो होगी वो ज़्यादा होगी, आजकल जैसे हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है, यू नो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, फर्क मेन फर्क पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये बात समझ में आ गई। अब आई एम कमिंग टू द प्रॉपर्टीज अगेन, ये आपको याद करके पड़ेंगे, वैसे तो केमिस्ट्री से हम उससे पता लगा लेंगे कि अगर इसमें हम एसिड डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेगा, कोई सॉल्ट नहीं बनेगा, ये एसिडिक चीज से लिए नहीं करेंगे, जबकि ये जो बेसिक जो एसिडिक है ये बेसिक चीज बेसिक बेस डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना एसिड से रिएक्शन होगी ना बेस से होगी, और ये डालेंगे तो ये एसिडिक चीज से तो रिएक्ट नहीं करेंगे जो खुद एसिडिक है, ये कहीं से रिएक्ट करेंगे बेस से, और सॉल्ट एंड वाटर को खुद एसिडिक ऑक्साइड में बदल जाएंगे, एसिडिक रेडिकल में बदल जाएंगे, बेस से बेसिक रेडिकल पी गया सॉल्ट एंड वाटर बना दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझ लो, इसको आप कर दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपके काम आएगी, तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये जब रिएक्ट करते हैं किसी बेसिक चीज से तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट रेडिकल में बदल जाता है, SO2 जो है ये सल्फाइड रेडिकल में बदल जाता है, SO3 बन जाता है, ये कंपाउंड है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फाइड रेडिकल चार्जेस को कंपाउंड नहीं है, SO3 बदल जाता है SO4 में, वैलेंसी दोनों की दो है, दो चार्ज है, ठीक है। P2O5 फॉस्फोरस पेंटोक्साइड ये जब बेसिक रेडिकल से कंबाइन करता है तो ये PO4 रेडिकल में बदल जाता है, वैलेंसी तीन है इसकी फॉस्फेट, P2O5 एंड बदल जाता है फॉस्फेट, SiO2 एसिडिक ऑक्साइड है, सैंड जिसे सैंड जिसे कहते हैं, सैंड का मामला SiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये जब बेसिक चीज से रिएक्ट करता है
SiO3 बना देता है जैसे CO3 बन जाता है, CO2 CO3 SiO2 SiO3 सिलिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सिलिकेट। ये ध्यान रखिएगा, इससे आपको रिएक्शन याद करने में आसान हो जाएगी। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, एसिडिक ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, लाइम वाटर, ये बेस है। अब चूंकि ये एसिडिक है ये बेस है, तो यहाँ से आपको कौन सा आयन मिलेगा, बेसिक आयन, क्या है बेसिक आयन, यहाँ पे कैल्शियम आयन है, और ये बदल जाएगा एसिडिक रेडिकल, जैसे CO2 आयन बदल जाएगा CO3 में, नहीं याद कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड आपका, न्यूट्रलाइज है CA, तो कार्बोनेट से जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे CaCO3 सॉल्ट, समझ गए, बेस था गैसीय ऑक्साइड का, तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या बना देंगे, वाटर सॉल्ट है। सिमिलरली SO2 अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा बताइए, होगी सी इक्विवेलेंसी, तो SI क्या हो जाएगा, नहीं क्या CA CA क्या SO4 SO3 ये बताने के लिए मैंने कहा था CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर। ठीक है, और ले लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब ये बेस है कि एसिड एसिड रेडिकल में बन जाएगा, क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, पोटेशियम पोटेशियम फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि CO3 CO2 CO3 मतलब उसकी वैलेंसी दो है, पोटेशियम की वैलेंसी वन है, इसकी वैलेंसी वन है, इसकी टू है, क्या बनेगा A2 CO3 प्लस वाटर। बात सुन में ये आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप रिएक्शन लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसको मैं रख पढ़ू, अब मैं आया हूँ तो ये उसको पढ़ना नोट कर, इसको बंद करना है, ये अब दें टू प्रॉपर्टी सम यूनिट रूल के अगेन, यहाँ तक प्रॉपर्टीज, यहाँ का क्या एसिड्स और यहाँ क्या था बेसिस के। ठीक है, अब कॉम्पाउंडिंग प्रॉपर्टीज का शुरू होकर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इंडिकेटर के साथ कर चुके, इंडिकेटर जो हमने तीन चार दिए थे, लिट्रोस था, मिथाइल ओरेंज था, फिनोक्सिलीन था, रेड कार्बेज थी, है ना, हाँ, तो इन सब के हम इंडिकेटर कर चुके हैं के साथ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी हम ले चुके हैं कि उसमें एसिड में स्मेल चेंज नहीं होगी, बल्कि बेस में वो स्मेल लूज कर देगी, अगर हम बेसिक मटेरियल डालेंगे बेस डालेंगे तो उनकी स्मेल खत्म हो जाएगी, उससे पता चल जाता है कि अगर स्मेल खत्म नहीं हुई तो वो एसिडिक नेचर है या एसिड है, और अगर स्मेल खत्म हो गई तो वो बेस है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ली थी विद मेटल्स, विद मेटल्स, तो मेटल्स जो होते हैं जब भी कंबाइन करते हैं उनका पॉजिटिव चार्ज आता है, दे बिकम बेसिक रेडिकल, किसे कंबाइन करेंगे, एसिड से एसिड रेडिकल आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे मेटल के साथ, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, वाटर कहाँ से आएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी, तो मेटल कंबाइन ध्यान से समझ लीजिए, डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द मेटल व्हिच आर बिलो हाइड्रोजन, द मेटल व्हिच आर बिलो हाइड्रोजन They do not displace hydrogen because of they are less electropositive. जैसे हमने equation दी थी, जैसे copper plus dilute H2SO4, तो no reaction. क्यों? क्योंकि less electropositive में they can't displace hydrogen.
अब एक ध्यान से सुन लीजिएगा, जो बिल्कुल उसके हाइड्रोजन के पास जिससे लेड होता है, वेरी क्लोज टू हाइड्रोजन, इट आल्सो डू नॉट टेक दी डाइल्यूटेड। आपने लिया सिल्वर प्लस HCl डाइल्यूट, क्या होगा? नोनियम, विलयन के लिए इसका जरा और आगे चल दिया, जो आपको मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम करेगा, एल्यूमिनियम क्या क्या रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा बेसिक रहने का। क्या करना, अल्कली मेटल में सोडियम और पोटेशियम के साथ जब एल्यूमिनियम कॉन्टेक्ट में आता है तो एल्यूमिनेट बन जाता है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट एसिड के कॉन्टेक्ट में आए तो एल्यूमिनियम आयन विथ थ्री वैलेंसी, तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन, यहाँ से एसिड रेडिकल सल्फेट, तो कंपाउंड क्या बनेगा? इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ थ्री आएगा, क्योंकि SO4 थ्री है, थ्री एच टू आएगा और टू ए आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मेटल्स रिएक्ट डाइल्यूटेड। अब इसे की जगह मैं अलग से बात कराऊंगा, नाइट्रिक एसिड, सुनिए, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव हाइड्रोजन गैस विद ओनली टू मेटल्स, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, यानी ये दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वो बहुत डाइल्यूटेड। बाकी मेटल जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इनसे कम रिएक्टिव है, नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, रिएक्शन तो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते वो। इसमें नाइट्रिक एसिड इज वेरी, क्या नाम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइल्यूट फॉर्म में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो डाइल्यूट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ओनली टू मेटल्स, ओनली टू मेटल्स विच गिव हाइड्रोजन गैस विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो। अदर मेटल, इनकेस ऑफ अदर मेटल, इनकेस ऑफ अदर मेटल, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, एच टू इज ऑक्सीडाइज, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं टाइम पे वाटर में। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। फॉर एग्जांपल, आपने जिंक लिया और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के HNO3, तो जिंक जिंक आयन बन जाएगा और नाइट्रेट एसिड रेडिकल, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ZnNO3 जिंक नाइट्रेट। लेकिन अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करता है साथ में, एक्चुअली डिकम्पोज हो जाता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट आयन देता है, ये डिकम्पोज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाता है, और अगर यही जिंक जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट आएगा जिंक नाइट्रेट एसिडिल रहेगा, क्यों मुझे बताओ? क्योंकि नाइट्रेट रेडिकल और यहाँ से बेसिक रेडिकल जिंक, तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो ब्रेकअप होता है वो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है और हाइड्रोजन को वाटर में बदल देता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस रिएक्शन है, इसको ऐसे याद रखना है कि अभी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप बाहर चले जाओ जल्दी करो। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। तो इसलिए सिर्फ दो एलिमेंट हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, वो भी प्योर हाइड्रोजन नहीं होती, वो भी ऑक्साइड के साथ मिक्स होती है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ब्राउन कलर की गैस बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, रेडिश कलर। ठीक है, अब ये सवाल पूछे
क्योंकि कौन से दो मेटल नॉलेज के लिए याद रखिए, मैग्नीशियम नाइट्रिक हाइड्रोजन गैस की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वो सिर्फ दो मेटल है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। इन रेस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, बनती है हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाती है, रिएक्शन होती है, नहीं रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन हो रही है लेकिन वाटर हाइड्रोजन नहीं बनती, क्योंकि ये जो नाइट्रेट्स होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ज्यादातर, और नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइज कर देती है हाइड्रोजन को वाटर में, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन को कैन ऑक्सीडाइज कर देती है वाटर में। एग्जैक्टली सिमिलर वे में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जब रिएक्ट करता है ये भी डिकम्पोज हो जाता है, एक हिस्सा तो मेटल से रिएक्ट करता है और सॉल्ट बना देता है जिंक सल्फेट, वैलेंसी दो यहाँ भी दो जिंक सल्फेट, कैलिफ भी जिंक सल्फेट और यहाँ भी जिंक सल्फेट, लिखिए रिएक्शन यहाँ भी लिखिए यहाँ लिख देते हैं जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर डाइल्यूट, तो क्या बनेगा जेड एन एस ओ फोर प्लस हाइड्रोजन। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये जिंक सल्फेट तो बनाएगा लेकिन ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर लेगा वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी डिटेल जो हमारे क्लास में पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके मॉलिक्यूल सल्फेट रेडिकल देते हैं जिंक को, या कोई भी मेटल हो मैग्नीशियम हो एल्यूमिनियम हो फिर भी, तो सॉल्ट तो बनेगा, तो जो एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा जैसे यहाँ बनाए एल टू एस फोर हो जाए। ठीक है, अब ये डाइल्यूट था इसलिए हाइड्रोजन बन गई, लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड होता तो वाटर बनता और सल्फर डाइऑक्साइड गैस साथ में। तो ये जो इसकी केमिस्ट्री है डिटेल्स हैं वो 9th-10th के कोर्स में नहीं है, पर ये आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि भाई याद रखना कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन गैस इसलिए नहीं बनाता कि इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर, है ना, ऑक्सीजन देता है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में लेके तो वाटर बन जाएगा। ओके, ओनली गिव हाइड्रोजन गैस विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, गिव हाइड्रोजन गैस विद मैग्नीशियम एंड दीज आर ओनली टू मेटल्स। ये डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ वॉट हाइड्रोजन गैस बनती है वो भी प्योर नहीं बनती, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी होते हैं नाइट्रिक डाइऑक्साइड भी होता है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ दो मेटल। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट तो बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन को क्या में बदल देगा वाटर में बदल देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सेप्शनल गैस है जो हमें इसके साथ याद रखनी है, इसलिए जब भी कभी मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन आए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पढ़ याद करके लीजिए समझ कर। अगर डायरेक्ट आप लिख देंगे आपने लिख दिया MgS MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन को अलग हो जाएगा, वो जब होगा जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो मैग्नीशियम के बाद हाइड्रोजन बनती है लेकिन बहुत डाइल्यूट है मैग्नीशियम, और दूसरा एजेंट कौन सा है मैग्नीज। अगर आपने जिंक के साथ लिख दिया MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन को अलग हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ दो एलिमेंट के बाद हाइड्रोजन गैस देता है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ओके, कार्बन में लेकिन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो बहुत वो जैसे बनने की थोड़ी गर्मी भी हीट होगी ना वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट मेन स्टेबल डिकम्पोज कॉन्सेंट्रेटेड हीट से वो डिकम्पोज हो जाता है टाइम में वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं
बाकी तो एजेंसी है, उनका इवन रिएक्शन उस चीज़ को काउंट नहीं करते, क्योंकि बड़े से भी हीट होगी तो लोग बोल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो और वाटर सॉरी मैं तो जब वो जब हीट थोड़ी देर बहुत सी हीट भी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। हाँ जी अभी ये तक समझ में आ गया। तो नाउ आई एम टेकिंग रिएक्शंस ऑफ एसिड मेटल विद व्हाट विद बेस। तो कौन से बेस है जो मेटल से रिएक्ट करते हैं, हमने कराया था मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद बेस बट एम्फोटेरिक मेटल लाइक चार पांच एम्फोटेरिक मेटल्स हैं जिनमें दो हमारे कोर्स में कौन कौन से एल्युमिनियम और जिंक के कोर्स में तीन भी है लेकिन जिंक के डिटेल कोर्स में नहीं है। तो एल्युमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद एल्युमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद अल्कलीन एंड फॉर्म क्या सॉल्ट, जैसे मेटल के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनता है यहाँ भी क्या बनता है सॉल्ट एंड। तो हमने एल्युमिनियम से रिएक्शन कराई थी अल्कली के साथ NaOH के साथ जिसमें वाटर भी इन्वॉल्व होता है तो क्या बना था फॉर्मूला NaAnO2 प्लस एन हाइड्रोजन और क्या हाइड्रोजन। तो कैसे हो गए यहाँ टू यहाँ भी टू आ जाएगा एल्यूमिनियम के साथ भी टू आ जाएगा तो हाइड्रोजन की क्या होगा फोर। तो दो यहाँ से आए और दो यहाँ से आए टोटल फोर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो कितने हाइड्रोजन आएगी यहाँ पे थ्री आए थ्री है सिमिलरली जेड ए प्लस एन ए ओएच ये क्या बनता है यहाँ पे एन ए टू जेड एन ओ टू यहाँ पे पानी नहीं है प्लस हाइड्रोजन तो क्या करना एन ए टू जेड ए ओ टू प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद बेस एक्सेप्ट एम्फोटेरिक मेटल्स विच फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ठीक है एक्सेप्ट एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट वहां भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन था एसिड के अंदर भी यहाँ भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन नहीं वाटर इज कोई भी बेस हो तो पानी के अंदर भी होता है तो इस केस में वाटर इज ऑल्सो रिएक्टेंट लेकिन यहाँ पे वाटर रिएक्टेंट नहीं। बस समझ में आ गई अब आ जाइए आप मेटल्स के बारे में पूछ रहा क्या मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स जब हम ले रहे हैं तो इसमें बेसिक ऑक्साइड भी और एम्फोटेरिक दोनों हैं एसिड के साथ दोनों का कैरेक्टर सेम होता है एसिड के साथ दोनों का कैरेक्टर एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड से बेसिक मेटीरियल आएगा और एसिड से एसिड मेटीरियल आएगा तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। हम एग्जांपल ले लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस एसिड ले लीजिए कोई सा भी पॉलीगोन का एसिड ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें ठीक है तो क्या बनेगा AlCl3 तो यहाँ सिक्स आ जाएगा प्लस 3H2। मैं जानबूझ के ले रहा हूँ जिंक और एल्युमिनियम जिंक प्लस H2SO4 जिंक ऑक्साइड को प्लस H2SO4 क्या बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सॉल्ट एंड वाटर प्लस H2। तो मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ऑलराइट। और कोई सा भी आप मेटेलिक ऑक्साइड आप ले सकते हो कोई सा भी ले लीजिए जैसे सोडियम ऑक्साइड कोई सा भी एसिड ले लीजिए HNO3 ले लें नाइट्रिक एसिड। अब जब वो जो कंडीशन थी ना कि नाइट्रिक एसिड की हाइड्रोजन के एसिड मैग्नीशियम मैंगनीज होगी वो मेटल के साथ थी ये मेटल ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड और ये एसिड है तो या तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा ही बनेगा मेटल के साथ और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कंफ्यूज बात हुई है ठीक है क्या बनेगा यहाँ पे बताइए NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O सॉल्ट सॉल्ट प्लस वाटर
विलय हो गया, कोई और सा एसिड ले लीजिए, के टू ओ एसिड हमने ले लिया, एच टू कौन सा एसिड ले बोलिए, वो तो डिकम्पोज हो जाता है बनते ही, वो क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्या लेंगे आप बोलिए कौन सा एसिड है, एस सी एल ले लिया क्या बनेगा, टू के सी एल प्लस वाटर। अब बेस में क्या होगा, बेस में कौन से बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं, अल्कलीज, और कौन से मेटल से रिएक्ट करते हैं, एम्फोटेरिक, तो आप यहां लिखेंगे एम्फोटेरिक मेटल्स, एम्फोटेरिक मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, एम्फोटेरिक मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे, क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं मेटेलिक, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हो ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल के हमने बताया था ना आपको बेसिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक मेटल से जो ऑक्साइड बनता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद अल्कलीज, रिएक्ट विद लाइक H2O3 ZnO, रिएक्ट विद अल्कलीज, रिएक्ट विद अल्कलीज, अल्कलीज में कौन होगा, हाइड्रोजन और NaOH जो कोर्स में है, ओनली अल्कलीज, लेकिन ये दो है हमारे रिएक्ट विद अल्कलीज, और बिल्कुल सेम प्रोडक्ट जैसे यहाँ बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी सॉल्ट मेटल के साथ भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन थी, यहाँ क्या बनेगा सॉल्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब इसकी रिएक्शन मान लीजिए क्या होगा, H2O3 प्लस NaOH, अब डाली के लिए क्या होगा, एने अल्कली में सोडियम को अल्कली बेसिक में आइडेंटिकल रहेगा, एल्युमिनियम या एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये जब भी अल्कली मेटल के साथ आते हैं, जब से अल्कली बनती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम दोनों AlO2 रेडिकल में बदल जाते हैं, इसमें एल्युमिनेट में, और जिंक ऑक्साइड बन जाता है ZnO2 जिंक के, तो क्या होने में आते हैं सोडियम तो क्या हो जाएगा, दो कर लेंगे तो टू NaAlO2 प्लस वाटर कितना H2O, हाइड्रोजन के कितने आते दो और एक ऑक्सीजन वाटर, तो ऑक्सीजन के चार हो गए, टू टू फोर प्लस वन फाइव, तो यहाँ पे लेंगे तीन और थ्री और टू फाइव बैलेंस है, देखो ऐसा होता है कि बेस में हमेशा पानी होता है, कहीं पानी ऐसे रेट काम करता है, कहीं हमें उसकी जरूरत नहीं होती है, समझ में आई बात, वो अगर बनता भी है तो वापिस आ जाता है, इसी तरह दूसरा भी रिएक्शन लिखेंगे, इनको मैं रख पढ़ू, जिंक ऑक्साइड दे रहा है प्लस KOH क्या बनना चाहिए, K की वैलेंसी 1 और ZnO2 रेडिकल बनेगा, जो एम्फोटेरिक एलिमेंट है मैं क्या ले एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये तो क्या रेडिकल बनेगा ZnO2 और इसकी वैलेंसी 2 है और K की 1 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा K2 ZnO2, तो के टू के लिए टू करना पड़ेगा, ओके प्लस H2 सॉल्ट प्लस वाटर, तो मेटेलिक ऑक्साइड चाहे एम्फोटेरिक हो चाहे बेसिक हो वो तो सॉल्ट एंड वाटर सब बनेंगे, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड के जो एम्फोटेरिक है वो अल्कली से रिएक्ट करते हैं और जो बेसिक ऑक्साइड है वो अल्कली से रिएक्ट नहीं करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस के ओ एच नो रिएक्शन, ये बात समझ में आ गई कि आ गई, यानी मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं डबल ऑक्साइड को जर्मेनियम में रिएक्ट करता है
मेन ऑक्साइड निकल के दो हैं, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक, बोथ बेसिक एंड एम्फोटेरिक बोथ रिएक्ट विद एसिड इन द सेम वे, तुमने कोई डिफरेंस, लेकिन बेस के साथ बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ कौन सा ऑक्साइड करते हैं एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक की डेफिनेशन भी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का दो ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस इन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मेटल जिंक मेटल एम्फोटेरिक मेटल हो गए, ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और अल्कली से भी रिएक्ट करते, ये बात समझ में आ गई। हाँ जी बुलाओ उसको, कह इसको मैं रख कर दूँ, ठीक है। तो कितने हो गए, चार हो गई है, अब आ जाइए पांच हो, क्या लेंगे बेसिक ऑक्साइड, नहीं बेसिक ऑक्साइड को डेली ऑक्साइड में कवर हो गए, बेसिक ऑक्साइड को डेली ऑक्साइड में कवर हो गए, तो क्या लेंगे यहाँ पे विद कार्बोनेट्स अलग से लेंगे, बाई कार्बोनेट अलग से लेंगे। अब ये कार्बोनेट की डेफिनेशन में भी आता है, एसिड की डेफिनेशन में इसको यूज कर सकते हैं कि व्हेनेवर एसिड कम इन कांटेक्ट विद कार्बोनेट इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एज, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों आप देख लीजिए ध्यान से, HCl कोई सा भी कार्बोनेट ले लें, Na2CO3 हम तीन चार रिएक्शन लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो कार्बोनिक एसिड जब भी किसी रिएक्शन में बन रहा होता है वो फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वाटर कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में आता है, वो बहुत वो स्टेबल नहीं होता, तो वो बनता ही नहीं है, उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, बस समझ में आया। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि तो ऑलरेडी सॉल्ट है, अब नया सॉल्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि द सॉल्ट विच इज फॉर्म विद कार्बोनेट इज मोर स्टेबल, whenever double displacement reaction है, more stable substance form reaction takes place, तो यहाँ ज़्यादा stable क्या बनेगा, sodium chloride, NaCl, मैंने Cl, ये दो नया salt बना दिया, और क्या बनना चाहिए, H2CO3 बनना चाहिए, लेकिन carbonic acid कभी भी reaction में नहीं बनता, वो decompose हो जाता है, क्योंकि it is very very unstable, तो final product में क्या आएगा, H2O plus इसलिए हम भी देते हैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। आपको ये चेक करना है कि जो पाउडर है ये कार्बोनेट का सॉल्ट है या नहीं, तो उसमें एसिड डालिए गैस बनेगी, क्योंकि पानी तो वहीं रहेगा, सॉल्ट भी वहीं एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है नहीं बनी, इसको लाइव वाटर में पास करेंगे तो मिल्की हो जाएगा, लाइन वाटर में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, क्यों, वो भी रिएक्शन हम कराते हैं, ऑलराइट। क्या होगा नेक्स्ट, क्या है ये बाइकार्बोनेट सेम वे में होता है, क्या बनाता है बाइकार्बोनेट के बाद, सॉल्ट प्लस यहाँ क्या बनाता, यहाँ बनाता सॉल्ट सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब क्या बनेगा सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, HCl प्लस K2 KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट,
क्या होगा, दबा डिस्प्लेसमेंट की एक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिक रेडिकल पोटेशियम है, यहाँ से क्लोराइड आया तो क्या बना, प्लस H2CO3 बना, लेकिन H2CO3 हाईली अनस्टेबल है, वो तो ब्रेक हो जाता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो बोथ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, चाहे वो अल्कली है कोई भी, बेस डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जनरली डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स, ये क्लियर हो गया, ऐसी रिएक्ट करते क्यों, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एसिड से एसिड रेडिकल जो होता है वो कार्बोनेट का जो बेसिक रेडिकल है उससे नीचे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, बेस में वो नहीं होता, इनको कार्बोनेट के अंदर जो बेसिक रेडिकल है उसको एसिड रेडिकल के साथ ज्यादा स्टेबल, वो एसिड रेडिकल एसिड से मिलेगा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, बेस से नहीं बनेगा, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन लिखो Na2CO3 Na2 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मैग्नीशियम Na2CO3 सॉरी, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ये दोनों इक्वली अनस्टेबल है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, नो रिएक्शन, बेस डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ओनली एसिड्स रिएक्ट, आपको ये चेक करना है कि भाई ये लिक्विड है, दो टेस्ट ट्यूब में दे रखा है, इनमें कौन एसिड है कौन एसिड नहीं है, आपको पता है चौक है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अब आप ये चेक करना चाहेंगे जो हमारा लिक्विड है वो एसिड है या नहीं, तो अगर रिएक्शन हो रही है तो वो एसिड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, रिएक्शन हो कौन सी गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन एसिड ही कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, बेस रिएक्शन नहीं करते, ये बात समझ में आ गई, तो आपने डाला इसमें मान लो उठा सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता नहीं था सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आप क्या करेंगे, रिएक्शन होगी क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट ज्यादा स्टेबल सॉल्ट है प्लस H2CO3 क्या बनेगा, H2O प्लस CO2, ये बात समझ में आ गई, बेस डालते तो रिएक्शन नहीं होती, नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ पढ़ लो, अब आप बनेंगे विद एसिडिक ऑक्साइड्स, ये मेटेलिक ऑक्साइड का ये रहेंगे विद एसिडिक ऑक्साइड्स, क्यों, क्योंकि नॉन मेटेलिक दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, एक एसिडिक और एक न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, कौन रिएक्ट करेगा, विद एसिडिक ऑक्साइड, इनकी एसिड से रिएक्शन भी होगी, नो रिएक्शन विद एसिड, नो रिएक्शन विद एसिड, जो कि एसिडिक ऑक्साइड एसिड रेडिकल में बदल जाता है और एसिडिक भी एसिड रेडिकल है, रिएक्शन होती नहीं, लेकिन बेस के साथ क्या होता है, बेस के साथ क्या होता है, फॉर्म क्या बनाते हैं ये, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड क्यों, और आप देख लो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, बेस हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको प्लाइन वाटर भी कहते हैं, अगर एक्वा सॉल्यूशन में, अब आप बताइए इसमें क्या होगा, गैस भी रेडिकल बन जाएगा CO3, याद रखना CO2 का बदल जाएगा CO3 रेडिकल में, और बेसिक रेडिकल यहाँ से कैल्शियम आएगा क्या बन जाएगा, CA प्लस H2O, आप ले लीजिए SO2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब पोटेशियम चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या होगा, SO2 का बदल जाएगा, एसिड रेडिकल कौन सा, SO3, और यहाँ से Na बेसिक रेडिकल, तो क्या बना, सॉल्ट Na2SO3, Na2 जो कि एसिड की वैलेंसी 2 होती है, और दूसरा क्या बना, H2O जो तो ऐसे पूरे एक बोल करा गया और एक पूरे चले गया, तो एसिडिक ऑक्साइड मेटल जो होते हैं एसिड एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते,
लेकिन बेस एथिलीन से रिएक्ट करते हैं, चाहे वो अल्कली हो चाहे वो नॉन अल्कली हो, वो बेस जो होते हैं वो एथिलीन ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये बात समझ में आ गई? तो ये प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान से एक दफा रिवाइज कर लीजिए, दिस विल बी हेल्पफुल। और इसके ऊपर बेसिस पे अगले चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, और फिर हम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन का लेंगे, जो डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स है, यानी वाशिंग सोडा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो पहले सॉल्ट्स की डेफिनेशन हम दे चुके हैं, पहले हम तीन तरह के सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, सॉल्ट पाँच तरह के होते हैं, ये हम कितनी तरह के सॉल्ट की बात करेंगे, तीन, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, वो कैसे बनता है, और बेसिक सॉल्ट क्या होता है और कैसे बनता है, और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है और कैसे बनता है। बाकी जो डिफरेंट टाइप सॉल्ट और भी हैं जो हम, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, हमारा बात की जा रहा है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो आई होप तो के दो क्लासों में ये शुरू करें।